हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 30 द ढोलक मैन उस पेज नंबर 87 जो है वो रीड करा दिया था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा, आज मैं आपको पेज नंबर 88 करा रही हूँ। तो सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जैसे जैसे मैं लाइन वाइज रीडिंग कराऊंगी, आप भी मेरे साथ रीडिंग करते जाना, जिससे आपको इस लेसन की हिंदी है जो वो समझ में आ सके। बेटा, हमारा जो लेसन था, पेज नंबर मैंने आपको 87 कराया था लास्ट वीडियो में, मैं उसकी आपको थोड़ी सी रिविज़न करा देती हूँ कि जो हमारा लेखक है रिचल मैकबेन, वो मध्य प्रदेश के जंगलों में रहता था और उसका घर गाँव के 2 मील दूर था गांव से। तो वहाँ उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो गांव से ही आता था, जुल्फी उसका बेस्ट फ्रेंड था, और उसके जो मम्मी उसको बच्चों को पढ़ाती थी उसी के साथ वे खेलते थे, वो उनका ही प्लेमेट मतलब उनके प्लेमेट्स थे। तो बेटा, वहाँ पर एक जुल्फी नाम सॉरी एक ढोलक मैन आता है गाँव से बच्चों के झुंड में ढोलक बजाता बजाता। तो जो ढोलक मैन है, सारे बच्चे उसके सर्कल में बैठकर उसे कहानी सुनते हैं, उसको सर्कल से घेर लेते हैं, घेरा बना लेते हैं। और तो ये हमारा पेज नंबर 87 में था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 88। तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन द ढोलक मैन। बेटा, पेज नंबर 88 का फर्स्ट पैरा हो चुका था, अब मैं सेकंड पैरा रीडिंग करा रही हूँ। ऑन वन सच ओकेजन, ओकेजन मीन होता है बेटा अवसर। Occasion means अवसर। On occasion, one such occasion, Julfi put an efforts to delay him. She asked, "Where do you come from?" जब बच्चों ने उसको ढोलक मैन को घेर लिया और उनसे कहा कि भाई हमें एक कहानी सुनाओ, तो जो ढोलक मैन था वो मना करने लगा। और इस अवसर पर जो जुल्फी था वो थोड़ी देर करता है और उससे बातें पूछता है कि भाई थोड़ी देर ये ढोलक मैन यहाँ पर रुक जाए और हमें कहानी सुनाए। तो उससे बातें पूछता है और कहता है कि जुल्फी तुम कहाँ से आई हो। उस ढोलक मैन से मजाक में कहता है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आई हो। नाउ वेयर ही सैड, उसने कहा, कभी नहीं, कहीं से भी नहीं आई मैं। वेयर आर यू गोइंग टू, आस्क्ड जुल्फी। जुल्फी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। समवेयर ही सैड, उसने कहा, कहीं भी जाऊंगा मैं, आप लोगों को क्यों बताऊं, मैं कहीं भी जाऊंगा। बट वी वॉन्ट टू नो, इंस्टिट्यूट जुल्फी। जुल्फी की बजाय जो वहाँ सारे बच्चे थे वो यही जानना चाहते थे कि जो ये ढोलक मैन है वो कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। इट इज़ नॉट गुड टू नो मच, लाफ्ड द ढोलक मैन। जो ढोलक मैन था वो हंसा और कहा कि यह अच्छा नहीं है कि भाई तुम यह जानो कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वेयर आई कम फ्रॉम इज फार अवे, मैं कहीं से भी आया हूँ तो मैं कहीं दूर से आया हूँ और कहीं दूर ही जाऊँगा। फार मीन होता है दूर। उस ढोलक मैन ने बच्चों से कहा, फिर उसके बाद, इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, उसने कहा कि मैं बहुत सुंदर जगह से आया हूँ। लाइक नो वन अमंगस्ट यू हैड एवर सीन, ऐसा स्थान, ऐसा सुंदर स्थान तुम लोगों ने कहीं भी नहीं देखा होगा, और कहीं भी तुमने अपने जीवन में वो स्थान नहीं देखा होगा जहाँ से मैं आया हूँ। बट प्लीज प्लीज टेल अस अबाउट इट, आस्क्ड जुल्फी। जुल्फी ने पूछा कि प्लीज कृपया करके हमें उस स्थान के बारे में बताइए, आप कहाँ जहाँ से आए हो। इफ आई टेल यू, यू विल आस्क टू गो टू सी दैट पैलेस। इफ आई टेल यू विल आस्क, अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग भी उस जगह पर जाने के लिए मुझसे जिद करोगे कि मुझे वहां पर लेके चलो हमें।
बट इफ यू डू सो यू विल नेवर सी मी अगेन, सेड द ढोलक मैन। ढोलक मैन ने कहा कि मैं उस स्थान के बारे में बता दूंगा अगर तुम जिद नहीं करोगे वहां जाने के लिए। यू मस्ट टेल अस, क्राइड द चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन थे, सारे बच्चे थे, वो चिल्लाए, हाँ ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। द ढोलक मैन पिक्ड अप हिज ढोलक एंड वाज रेडी टू लीव। जो ढोलक मैन था वो अपनी ढोलक उठाता है और जहाँ पर वो था उस स्थान पर वो छोड़ने के लिए, मतलब वहाँ से ढोलक उठा के आगे चलने के लिए तैयार हो जाता है। ही बीट ए स्लो रिदिम। वो धीरे धीरे अपने ढोलक को बजाता है। एज ही वॉल्क्ड अवे एंड मोर ही चैंटेड इन ए सॉन्ग विद हाफ स्पीच। और वो मतलब चलता जाता है और चैंटेड इन ए और एक सॉन्ग गुनगुनाता जाता है, धीरे धीरे एक सॉन्ग जो है वो गुनगुनाता हुआ चलता जाता है। डीप द फॉरेस्ट, डीप मीन होता है बेटा गहरा और फॉरेस्ट मीन होता है जंगल। डीप मीन्स गहरा और फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ओके बच्चों, तो जो ढोलक मैन है वो गुनगुनाता हुआ जाता है ढोलक बजाते हुए धीरे धीरे। डीप द फॉरेस्ट इन माई हम्बल ट्रैवलिंग प्लेस। गहरा जंगल मेरा, मैं गहरे जंगल में गया था, मेरा विनम्र स्थान था वो गहरा जंगल। डीप इनसाइड द फॉरेस्ट इन ए केव। केव मीन होती है गुफा। उस गहरे जंगल के अंदर एक गुफा थी जहाँ मैं रहता था। उस एक गहरे जंगल में मैं रहता था, वो बहुत ही हम्बल मीन्स होता है विनम्र निवास स्थान था। और उस जंगल में एक क्या थी बेटा, उस जंगल के अंदर एक गुफा थी। डीप इनसाइड द फॉरेस्ट इन ए शैडो ऑफ ए फोर्ट। फोर्ट मीन होता है किला। फोर्ट मीन्स होगा किला, जैसे बेटा दिल्ली का रेड फोर्ट है, लाल किला है, तो वैसे ही फोर्ट को हम किला बोलते हैं। डीप इनसाइड द फॉरेस्ट इन द शैडो ऑफ ए फोर्ट। एक किला था वो कहाँ पर था वो बेटा, उस जंगल के अंदर एक किले की छाया थी, जो छाया के नीचे था वो किला। इन द शैडो ऑफ रानी दुर्गावती फोर्ट। और जो वो शैडो थी किले की, जो छाया थी वो किसकी थी, रानी दुर्गावती फोर्ट। रानी जो दुर्गावती थी वो उस किले की छाया थी जहाँ पर रानी दुर्गावती रहती थी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पेज नंबर था 88 वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 89 कराऊंगी। आई होप आपको पेज नंबर 88 की जो रीडिंग मैंने कराई है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी ना समझ में आए तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। बेटा आप जितनी बार अपने रीडिंग करोगे तो आपके जो रीडिंग पावर है वो इम्प्रूव होगी और रीडिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।